खरगोन के कोतवाली रोड स्थित पोस्ट ऑफिस में रुपये जमा कराने आई महिला के हाथ में टंगी हुई थैली को ब्लेड से काटकर रुपये और आभूषणों से भरे हुई पर्स की थैली चोरी होने का मामला सामने आया है। महिला चोरों को पकड़ने की मांग को लेकर रोजाना थाने के चक्कर लगा रही है। कोतवाली में शिकायत लेकर पहुंची किरण सोलंकी ने बताया वह विधवा महिला होकर घोकपुरा में रहती है। वह जिला अस्पताल में सुरक्षा कर्मी में काम करती है। हाल ही में उन्होंने एक प्लाट खरीदा है जिसकी रजिस्ट्री के लिए रिश्तेदारों से 50,000 रुपए, दो जोड़ी सोने की झुमकी और पांचाली पर्स में लेकर निकली थी। यह आभूषण गिरवी रखना थे। शेष राशि 26 जुलाई को पोस्ट ऑफिस में अपने बचत खाते से रुपए निकालने पहुंची थी। रुपए जमा करने लाइन में लगी भीड़ अधिक होने पर किसी ने हाथ में टंगी थैली काट कर पर्स चुरा लिया। भीड़ होने से उन्हें पता नहीं चला। जब काउंटर पहुंची तब थैली कटी हुई मिली। वहीं बैंक प्रबंधक से चर्चा की तो उन्होंने बैंक में सीसीटीवी कैमरा होने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। हम निकले 11:30 बजे, पैसे हमारे पास 50,000 रुपए थे, दो जोड़ झुमकी थी, पांचाली थी। हम पोस्ट ऑफिस में और पैसे निकालने के लिए गए तो हमको रजिस्ट्री करवाना था। हम लाइन में लगे, इतनी देर में हमारी कोई ने थैली काट ली। उसमें 50,000 रुपए नगद थे और दो जोड़ झुमकी और पांचाली थी, और बाकी पैसे हम निकालने के लिए आए थे। हमको 2 लाख रुपए की व्यवस्था थी कि 2 लाख रुपए को रजिस्ट्री करवाना है, फाइनल करना था। तो वहाँ लाइन में लगे, इतनी देर में हमारी थैली कट गई, तो ना हमने वो पैसे भी नहीं वो उसमें बैंक के निकाले, बस जो थे हमारे वो पूरे चले गए। तो पता चला चोरी का? ये हमको 15 मिनट बाद पता चला कि मैं डायरी निकालने गई थैली के अंदर, तो मैंने कहा डायरी निकाल के दो, तो डायरी निकालने गए तो पैसे की थैली थे नहीं उसके अंदर, ये हमको फटी हुई मिली। सीसी कैमरा कोई भी नहीं, और मैनेजर से बात करी तो वो बोले कि तुमको जहाँ शिकायत करना वहाँ शिकायत कर दो, हमारे पास कोई नहीं, तुमको शिकायत कर दो जाके, और आप लगवा तो लगवा कैमरे, हमारे से नहीं लगे, हम 50,000 रुपए कहाँ से भरेंगे। नाम है आपका? मेरा नाम किरण सोलंकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।